तो हम एक डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं सिंपल सा, ताकि आपको एक्सप्लेन हो कि आपकी रिपोर्ट्स हम बनाते क्या है। फॉर्मेट के लिए हमने इस फॉर्मेट को लिया है कि मुझे इस तरह का एक डैशबोर्ड्स बनाना है अपने पर्टिकुलर डेटा के ऊपर। तो ये देखिए ऊपर से है, तो मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट है, तो हम इसको यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से रख देंगे, सेल्स जितने प्रोडक्ट उतने सेल्स ही रख देंगे। और उसके बाद यहाँ आपका ये जो है सक्सेस, और ये जो ग्राफ है इस ग्राफ पे हम ये यूज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे कि किस वेबसाइट से कितनी सेल हुई है, हम ये दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके मंथली सेल्स है, तो मंथली सेल्स भी यहाँ पे हम ले सकते हैं, या फिर हम नेम वाइज भी सेल्स ले सकते हैं, तो अलग अलग से हम इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, और इसके लिए हम कोई बड़ा सा फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करने वाले, तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड देते हैं। और हम अभी यहाँ पे डैशबोर्ड हमारा प्रोडक्ट हल्का सा हम इसको तो डैशबोर्ड किसी रिपोर्ट्स को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम किल होता है उसकी फॉर्मेट तैयार करने में। तो मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं, एक बार प्रोडक्ट उठाता हूँ और मुझे यहाँ पे इस बगल में कॉपी करता हूँ, और सेम मैं यहाँ पे डेटा में जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट होते हैं, इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पे हम आ गया रैम, ये हमारा रैम हो गया। मैं होम पे आता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया WRT, ये हो गया हमारा HD, ये हो गया हमारा MB, और ये हो गया प्रोडक्ट हमारा। और प्रोडक्ट भी हम चाहे तो रख सकते हैं, मैं रख लेता हूँ कुछ और प्रोडक्ट, तो दो प्रोडक्ट और हैं, तो दो प्रोडक्ट मैं रख ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। और थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये ध्यान रखिए, जब आप रिपोर्ट बनाएं तो आपका रिपोर्ट एक मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक व्यू में सामने दिखना चाहिए, इसका आप ख्याल रखिएगा जब भी आप रिपोर्ट बनाइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा DVD, और यहाँ हो जाएगा हमारा CV। और हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी वैल्यू आनी चाहिए, तो मैं यहां पे इक्वल सम इफ का फॉर्मूला लगाता हूं। एक बार मैंने मर्ज किया हुआ है, मर्ज को हटा तोड़ देता हूं, सिर्फ इसको मर्ज करता हूं। F4 शॉर्टकट होता है लास्ट एक्शन को रिपीट करने का। तो यहां पे मैं सम इफ लगाऊंगा, सम इफ डेटा में जाऊंगा, और मुझे प्रोडक्ट में जाना है, वापस क्लिपबोर्ड पे आता हूँ और अपनी सेल्स को लेता हूँ, फिर डेटा में अपनी क्वांटिटी को सेल करता हूँ, जो क्वांटिटी है आपका B2, B2 नहीं होगा, A2 होगा, इसमें सर्कुलर रेफरेंस आ गया, रिजल्ट आ गया। अब इसी को हम यहाँ पे कॉपी करते चले जाते हैं। कॉपी करने के लिए मुझे यहाँ
फ्रीज करना होगा, ये रहा, सेम सीक्वेंस में रखने से फायदा ये हुआ कि बस फॉर्मूला हम पेस्ट करते चले गए, बाकी कुछ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम मिडल कर देते हैं, सेंट्रल मिडल। अब यहाँ पे हमने जो कलर ए दिया है इसको ग्रीन एंड व्हाइट हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के करेंगे कि भाई किस पर्टिकुलर सेल से अगर ऊपर हुआ, कम हुआ, प्रोडक्ट से ज़्यादा हुआ, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें 25,000 से नीचे है उसको यहाँ हम रेड कलर करेंगे। अभी तो फिक्स है लेकिन बाद में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे तो ए हमारा एक ए हो जाएगा कि हाँ ये बता रहा है कि सेल हमारा सही नहीं है। मैनुअल अभी तो मैंने मैनुअल किया बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस चीज के लिए होगा जो कि ऑटोमेटिक कर देगा। और उसके बाद अब यहां बढ़ते हैं डेटा में हम। अब डेटा में अगला जो है हमारा ए चाहिए, इस पोर्टल चाहिए, इसके हिसाब से आईपीटी और इसके हिसाब से साइट के हिसाब से ग्राफ बना दें। तो इसके लिए आप यहाँ भी चीज़ को कर सकते हैं, मतलब ये तो दो ही नेम है, अगर ज़्यादा हुआ तो हम पिवट टेबल लगा लेंगे, फिलहाल ज़्यादा नहीं है तो फिलहाल हम पिवट टेबल नहीं लगाते, हम फिलहाल यहाँ पे सम इफ लगा देते हैं, सम इफ, और हम सब इफ हो गया, इफ सम इफ रेंज में गए लिया, डैशबोर्ड पे आए हमने आईपीटी को लिया और फिर हमारा क्वांटिटी में आ गया। अब इस पे हम यहाँ चार्ट इजीली बना सकते हैं, यहाँ इंसर्ट में चार्ट होता है, नहीं पाई चार्ट नहीं, नहीं डॉट डॉट छोड़ना, इसमें हम अपने हिसाब से फॉर्मेट यहां से ले सकते हैं, जो फॉर्मेट जैसा चाहिए उस तरह का। ये वाइट है तो इसकी फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको रेड कर देता हूं या ब्लैक कर लीजिए, या जो कलर आपको करना चाहता है वो कलर आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला हम यहां पे देख रहे थे, ये हो गया हमारा, इसमें हमारा डेटा नहीं आ रहा था, देखिए यहां पे डेटा आ रहा है ना 355 और यहां पे ये दिख रहा है आपको सेल्स फिगर दिख रहा है, लेकिन ये फिगर यहां चार्ट पे तो नहीं है, बट मुझे फिगर चार्ट पे दोनों साइड में दिखाना है, ये फिगर को चार्ट में दोनों साइड से दिखाना है मुझे, तो क्या करें, तो यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, दो तरीके हैं, ये ऑटोमेट होना चाहिए ना सर, तो आप कॉपी कर लीजिए, एक मिनट मुझे पहले जाना पड़ेगा किसमें, पेज लेआउट में जाके मुझे इसकी गाइडलाइन को हटाना होगा और फिर इसको कॉपी करना होगा पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, कॉपी करना होगा ऑल्सो पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, ये आपका लिंक हो गया, तो आप यहां पे इसको आसानी से
और मैं इसको कंट्रोल के साथ इस तरह सेलेक्ट, फिर उसको उठा के इजीली जहां रखना है रख सकते हैं। ये नहीं दिख रहा है। राजी वेबकैम को ऑफ कर लीजिए, वेबकैम की जरूरत नहीं है प्लीज। प्रॉब्लम आ गया कि इस पे इसको रखते ही ये हट जा रहा है क्योंकि हमने पेज से जब पिक्चर लिंक कर दिया हुआ है, तो इसको बेटर है कि मैं कट करके दूसरे एक नई शीट पे रख देता हूँ तो बेटर रहेगा। और यहाँ पे मैं इसको ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। ये सब चीज़ भी आपको रिपोर्ट बनाते समय सोचना होगा, सही है? इस तरह से हम डैशबोर्ड को बना सकते हैं। हेलो, सॉरी सर, ये स्टार्ट हो गया था। तो इसको देखा आपने, हमने चार्ट को अपने ढंग से बना लिया। अब इसमें दूसरा हम आता है नेम वाइज, क्योंकि नेम जो हमारा है वो नेम के हिसाब से चाहिए, तो इस पर मैं पिवट लगा देता हूँ, पिवट, पिवट टेबल। और एग्जिस्टिंग शीट में मैं यहाँ शीट थ्री पे ले जाता हूँ और इसी को यहाँ से चेंज कर देता हूँ। और इसमें मैं नेम को रखता हूँ, नेम एंड क्वांटिटी को रखता हूं। इसके ऊपर मैं चार्ट बनाता हूं, कौन सा, पाई चार्ट, बार चार्ट। और यहां पे इंसर्ट, और यहां पे चार्ट डिजाइन में अपना अपने अपने हिसाब से चार्ट का स्टाइल मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ और फिर इसको कट करता हूँ और डैशबोर्ड में हम रख देते हैं। ये सम द क्वांटिटी, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, अच्छा हाइड कर देता हूँ, टोटल इसको हटा दीजिए, यहाँ से टोटल, यहाँ पे टोटल रखना, यहाँ चार टाइटल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्स। और यहाँ पे इसका टोटल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे एक और इसमें और कुछ और करना चाहते हैं तो जो चार्ट हमारा बना है हम उसी चार्ट को यहाँ से कॉपी करके एक नया डेटा यहाँ पे तैयार कर लेते हैं पिवट का। इसमें हम नेम को हटाते हैं और सेल्स मोड को रख देते हैं और इस सेल्स मोड का भी आप चाहो तो चार्ट बना सकते हैं। इंसर्ट, ये यहाँ पे
अभी जो हम चार्ट बना रहे हैं, ये चार्ट जो है आपका, ये जो अभी जो हम वेबसाइट रिपोर्ट बना रहे हैं, दिस इज द मैनुअल रिपोर्ट, राइट। लेकिन जब हम इसमें बहुत सारे फॉर्मूले और बाकी चीज यूज करेंगे तो वहां पे हम अपना डायनेमिक रिपोर्ट बनाएंगे। डायनेमिक रिपोर्ट मतलब कि अभी तो क्या ही फिक्स है, हम यहाँ मंथ का सिस्टम देंगे, मंथ चेंज करते ही आपका पूरा रिपोर्ट चेंज हो जाएगा। या फिल्टर्स टाइप का हम बोल सकते हैं कि फिल्टर्स टाइप हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। डिजाइन में आता हूं मैं, चलिए। और नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे, टॉप सेल्स हम देना है हमको, यहाँ पे टॉप 10 सेल्स, तो हम इसको यहाँ से सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा में जाके भी सॉर्ट कर सकते हैं माइनस में। यहां से हम पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, और इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर देते हैं। ये हमारा रिपोर्ट तैयार हो गया। यह लिंक है आपका, ये रहा आपका रिपोर्ट। तो रिपोर्ट ऐसा बनना चाहिए। अब ये आपका एक डैशबोर्ड तैयार है, बट दिस इज द मैनुअल डैशबोर्ड। आगे की क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे हम अपने फिल्टर्स देख के, मुझे पर्टिकुलर सिटी का रिपोर्ट देखना है, पर्टिकुलर मंथ का रिपोर्ट देखना है, तो जस्ट चेंज करते ही पूरी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा सर। ठीक है, तो आप लोगों को कोई डाउट इसमें? हेलो, नो सर। हेलो। हाँ सर, नो सर, नो डाउट। ओके, तो इसी को आगे आप फॉलो कीजिए। आगे की क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।